डिप्रेशन होता क्या है, एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, क्या तीनों एक ही चीजें हैं? डिप्रेशन बेसिकली जहनी दबाव है, बहुत ज्यादा सोचे हैं। और याद रखिएगा, एक के बाद इस तरह चेन ऑफ थॉट्स हैं, एक के बाद एक सोच आती है। और यकीन करें कि जो नीचे से अगली आने वाली सोच है वो पहले वाली से ज़्यादा शिद्दत वाली होती है, शदीद होती है। हमें खुद पर भरोसा नहीं है, या हमें रब पर भरोसा नहीं है, या शायद हमें ये दिया नहीं जा रहा, या पता नहीं हमारी जनरेशन को काउंसलिंग इस लेवल पे की नहीं जा रही है। डिप्रेशन की मैं आपको सच बताऊं तो कभी कभी कोई वजह ही नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल अंगना। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर सहर उस्मानी, साइकोलॉजिस्ट हैं, तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी वीडियोज़ पहले भी देख चुके होंगे, बहुत मशहूर हस्ती हैं। आज हम इनके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यूथ में जो है ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एन्जाइटी के इश्यूज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजूहत हैं? डिप्रेशन होता क्या है, एन्जाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, क्या तीनों एक ही चीज़ें हैं? और इससे मुतल कुछ सवाल आज जो आपके दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान, कैसे हैं आप? एक बार फिर से थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा, डिप्रेशन, व्हाट इज़ डिप्रेशन, क्या है ज़हनी दबाव, किस चीज़ का नाम है? देखिए, डिप्रेशन बेसिकली जहनी दबाव है, बहुत ज़्यादा सोचे हैं। और याद रखिएगा, एक के बाद इस तरह चेन ऑफ थॉट्स हैं, वो आपको रुकने नहीं देती, एक के बाद एक सोच आती है। और यकीन करें कि जो नीचे से अगली आने वाली सोच है वो पहले वाली से ज़्यादा शिद्दत वाली होती है, शदीद होती है। ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या तीनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग कैटेगरीज हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल और आसान लफ्ज़ों में दूंगी। स्ट्रेस वो एक पहली सोच या छोटा सा जहनी दबाव जो एक मुश्किल मेरे पर आई, सिंपल, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हो सकती हूँ, या मुझे कोई और इशू हो सकता है, मेरा दिल टूटा है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, या मैं डिवोर्स हो गई है, या इस उम्र में भी बिल्कुल किसी भी उम्र में हो सकता है, दिल कभी भी टूट सकता है, दिल कभी भी टूट सकता है, दिल का कोई उम्र नहीं होती है, वो कभी भी कहीं भी टूट जाता है। अच्छा, तो उसमें वो पहले जो आपको जहनी सोच आई, दबाव आया, या फाइनेंशियल आपकी जॉब छूट गई या कोई इशू हो गया, उसमें इस तरह होता है कि एक सोच आई और मुश्किल आई, आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, आप असाबी तौर पर इतने कमज़ोर थे कि आप इतने दबाव में थे, आप आसान लफ्ज़ों में ये कह लें, आपको अपने आप में शायद हम पे, आजकल मुझे ऐसा लगता है इसको आप यूँ कर लें कि शायद या तो हमें खुद पर भरोसा नहीं है, या हमें रब पर भरोसा नहीं है, या शायद हमें ये दिया नहीं जा रहा, या पता नहीं हमारी जनरेशन को काउंसलिंग इस लेवल पर की नहीं जा रही है। आप खुद ही सोचते हो, खुद ही टेंशन लेते हो, खुद ही उसका मियार तय कर लेते हैं, और खुद ही उसके बारे में सोच सोच कर एंग्शियस वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में खौफ होता है, यानी मेरे एग्जाम्स होने वाले, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ये जो मैं जा रहा हूँ ना, बस अब मेरा एक्सीडेंट होना ही होना है, अल्लाह ताला मुझे बचाए। एंजाइटी है, ये एंजाइटी है, किसी भी चीज़ के बारे में परेशानी पहले से ही लाहक हो जाती है, पावे वह हो या ना हो, ठीक है। और जो स्ट्रेस है वो सोच का स्टेप है जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, यानी हमने उसको हल नहीं किया। डिप्रेशन की पहली स्टेज को हम स्ट्रेस कह सकते हैं, कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो पहली सोच आई, हल ना कर पाए, एक और सोच आई, हल ना कर पाए, एक और सोच आई, पिछली तो हल करना छोड़ ही दें, 75,000 सोचें मिलकर डिप्रेशन बन गई। जी बिल्कुल। और वो सोच ऐसी थी, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपके शोल्डर डाउन हो जाते हैं, आंखें नीचे हो जाती हैं, आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, ना उम्मीदी, उदासी, एंड देन फाइनली आपको ऐसा लगता है बस मेरा तो इस दुनिया में रहने का कोई मकसद ही नहीं। वजूहत क्या है डिप्रेशन की? डिप्रेशन की मैं आपको सच बताऊं तो कभी कभी कोई वजह ही नहीं होती, हम एक्स्ट्रा अहमी बेफजूली सोच रहे होते हैं। और कभी कभी आपने कभी कुछ उन लोगों को देखा जो बड़ी बड़ी से बड़ी टेंशन को ऐसे हंस के झेल लेते हैं? वो साबित तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें हैंडल करना आता होता है, या वो स्ट्रेस से निकल कर बाहर निकल चुके होते हैं। या कभी कभी एक छोटी सी बात होती है, जैसे मैट्रिक के बच्चे के मार्क्स कम आए, वो बाप का सामना नहीं कर सकता था और उसने सुसाइड कमिट कर ली, और ये केसेस मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं। क्योंकि अब इसकी वजह क्या है, आप मुझसे वजह पूछ रहे हैं, तो इसकी वजह ये थी कि माँ बाप ने बच्चे को इतना भरोसा दिया ही नहीं कि बेटा इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना, मार्क्स की रेस के लिए नहीं। फलां के मार्क्स ज़्यादा आए थे, तुझे तो अक्ल ही नहीं है, 95 ही कोई मार्क्स होते हैं, 100 क्यों नहीं आए? वो इस चक्कर में कि 100 नहीं आए और मैं अपने माँ बाप के सामने फ़ेल हो गया हूँ, वो 95% मार्क्स आपको नहीं बताएगा, आपने एक्नॉलेज नहीं किया, एडमायर ही नहीं किया कि उस बेचारे ने 95% मार्क्स लिए थे, 100 नहीं आए, तो ही कमिट एंड शी कमिट सुसाइड। डिप्रेशन की इकसाम भी हैं, कैटेगरीज भी हैं, ये लो लेवल पर है, ये अभी फर्स्ट स्टेज पर है, सेकेंड पे है, थर्ड पे, ये एक्सट्रीम पे पहुँच गया कि अब ये सुसाइड कमिट कर लेगा। जी बिल्कुल, माइल्ड, मॉडरेट और सुवियर।
हम अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट और टेस्टिंग टूल्स, जिनको हम बोलते हैं, और असेसमेंट टेस्ट भी बोलते हैं, उसके ज़रिए हम पता लगा लेते हैं कि इसको कम दर्जे का है, ज़्यादा दर्जे का है या उससे ऊपर का है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि माइल्ड, मॉडरेट और सोयर की तरफ हम चले जाते हैं। जो सोयर है वो तो बिल्कुल ही बहुत ख़तरनाक है, वो तो कमिट कर लेते हैं सुसाइड। और अगर कोई आपको एक मरतबा कह दे, चलें देखें, मजाक में कहना और बात होती है, लेकिन अगर सीरियसली आप देख रहे हैं कि वो एक बार कह रहा है, दो बार कह रहा है, तीन बार कह रहा है, तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। अगर कोई इंसान आपके इर्द गिर्द ऐसा है जो बार बार आपको बोल रहा है कि मेरा जीने को दिल नहीं करता, या ही और शी वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, देन प्लीज़ डोंट डू दैट। आप वो ना करें और प्लीज़ कंसल्ट करने की कोशिश करें, या उनके साथ वाले लोग हमसे रابطہ कर लें। हो सकता है वो प्रॉब्लम प्लीज़ इतनी बड़ी ना हो, वो कोई वजह ही ना हो। को दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता, और सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है, मैं समझती हूँ। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, तीनों दर्जात भी अलग हैं, तीनों की टाइप्स भी अलग हैं। लेकिन इनकी जो सोल्यूशन है, इनका मुस्तकिल हल है, वो भी अलग है या सेम ही है? हाँ जी बिल्कुल रियान, तीनों के इंटरवेंशन थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस कहते हैं। इनकी थेरेपीज भी अलग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में आराम आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आराम नहीं है। डिप्रेशन के लिए कोई पिल्स लेनी पड़ती है? अच्छा, पिल्स वो लोग लेते हैं जो बहुत सोना चाहते हैं। पिल्स अगर आप लोग ले लेते हैं ना डिप्रेशन में, तो वो कुछ वक्त के लिए आप सो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है, चूँकि आप सो रहे हैं ना, सोते हुए इंसान नॉर्मली सोचता नहीं है, नॉर्मल तो ऐसा ही होता है। और अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो याद रखें वो सिर्फ ख्वाब है, और ख्वाब एक इख्तराती हैसियत होती है। इस्तराबी कैफियत में आप अपने आप को बेसिकली सोल्यूशन टाइप क्रिएटिव बंदा नहीं कह सकते। इफ़ यू आर मोर देन स्लीपी देन आप, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है आप डिप्रेशन की टैबलेट्स या मेडिसिन लेके अपने आप को बकायदा और पर्सनल इतनी फिजिकल बीमारियों में मुबतला कर रहे हैं कि आपको पहले कुछ मिकदार खाने की आदत होगी, फिर आपके खून को 10 mg की आदत हो जाएगी, फिर 15-20, आप 500-1000 mg भी खा लेंगे ना, mg खा लेंगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिप्रेशन का मुस्तकिल हल है क्या? काउंसलिंग सेशंस, थेरापीटिक इंटरवेंशन, काउंसलिंग सेशन, बिहेवियर ब्रीफ साइकोथेरेपी, सॉरी, और हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, और आपसे रابطہ करें तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, कोशिश तो यही करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, आपने डिप्रेशन से मुतल्लिक इनसे मालूमात भी हासिल की, और अगर आप अपना डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं तो मिनट लगाएं इनसे रابطہ करने के लिए, रابطہ करें और अपने डिप्रेशन को दूर भगाएं। और मेरा डिप्रेशन दूर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आपको एक थेरेपी देंगे बस। अगर मेरा ना हुआ तो आपसे मिलके हो जाएगा? हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।